नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 24 अगस्त बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। सीरियस परीक्षा के लिए आज आखिरी मौका, सम्मिलित अक्षर सेवा के साथ ही आखिरी तारीख 24 अगस्त 2021। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सीरियस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 अगस्त 2021 शुरू हो गई। तो उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए, सीरियस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 चरणों में पूरा होना है। दो चरणों के साथ ही उम्मीदवारों को आज शाम 6 बजे तक कर लेना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को 2021 की दूसरी सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षणों में यूजर्स की अधिक संख्या के चलते एप्लीकेशन फेज पर तकनीकी समस्या होने की संभावनाएं रहती है। संघ लोक सेवा आयोग की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवार यूपीएससी पोर्टल के साथ upsconline.nsa.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसके साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आवेदन के लिए पहले उम्मीदवारों को परीक्षा संबंधी यूपीएससी की जारी विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। दूसरी तरफ उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आयोग के द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या सीमित रहनी चाहिए और केंद्र का आवंटन पहले आओ पहले पढ़ाओ के आधार पर किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में नौकरी, आईटी प्रोडक्ट मैनेजर और अन्य पदों के लिए, यदि आप भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय के अधीन काम करना चाहते हैं तो खबर आपके लिए। जी हां, मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना की विकास एजेंसी के 8 विभिन्न पदों पर 10 रिक्तियां पर भर्ती के लिए अधिसूचना व्यापन जारी कर दिया गया है। एजेंसी के व्यापन के साथ ज्ञापन अनुसार आईटी प्रोडक्ट मैनेजर और अन्य पदों के लिए योग्यता के साथ उम्मीदवार आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एनडीआरए के द्वारा विज्ञापित पदों पर प्रतिनियुक्ति अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवार एनडीआरएफ की आधिकारिक वेबसाइट pmgsy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षा फिलहाल स्थगित। बिहार लोक सेवा आयोग ने आज मंगलवार को होने वाली सहायक अभियोजन पदाधिकारी की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसके साथ ही बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस पर लिखा गया है कि अपीआर करनों में इस परीक्षा को लेकर स्थगित किया जाता है। आपको बता दें कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 24 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 तक आयोजित की जानी है। बीपीएससी ऑडिटर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑडिटर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी यूपीएससी के अधिकृत वेबसाइट upsconline.bhi.nic.in पर जाकर परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन आयोग की 29 अगस्त 2021 के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। इसके साथ इस परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त 2021 को प्रारंभित है, लेकिन कोरोना मामले के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। देश में दम तोड़े ही दूसरी लहर, एक दिन में मिले कोरोना से 25,000 केस। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में फिर से गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को सुबह से आंकड़े बीते एक दिन में 25,000 नए केस आए, जिसमें से 107 दिनों में पहली बार नए केसों का आंकड़ा इतना कम दर्ज किया गया है। साथ ही एक्टिव मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते साल मार्च के बाद ही पहली बार इतने कम लेवल पाए गए। अब तक देश में मिले कोरोना के कुल केसों के मुकाबले एक्टिव केसों का प्रतिशत अब सिर्फ 1.3% रह गया। ये नहीं, 155 के साथ दिनों में एक्टिव केसों की संख्या सबसे कम रही, जिसमें 3,33,924 पर आकर ठहर गई है। 5 दिन बाद बिहार में फिर 20 कोरोना के मरीज, 28 जिलों में फिर से नया केस नहीं। 5 दिन के बाद बिहार में सोमवार को फिर से 20 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद ही 17 अगस्त को लेकर 21 मरीज मिले। हालांकि ये सभी केस 10 जिलों में ही मिले हैं। अभी की बात है कि शनिवार को सिर्फ 8 नए मरीज मिले थे, जो रविवार को 2.5 गुना बढ़कर 20 गुना हो गया है। जबकि सैंपल जांच की संख्या को बड़ा अंतर नहीं, सबसे ज्यादा पटना और सहरसा में नए मरीज पाए गए। जिले में 5 संक्रमित मिले से किशनगंज, नालंदा, रोहतास, समस्तीपुर, शरण सिंहपुर और वैशाली जिले में एक एक नया मरीज मिला है। बिहार पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने का इंतजार जारी है। चुनाव आयोग ने भी चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। इसके चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव संबंधित निगम और शर्त की जानकारी होगी। इसके तहत विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए शुल्क जानकारी दी गई। गाइडलाइन स्पष्ट बताया जाए कि आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत शुरुआती प्रमाण पत्र नाम निर्दिष्ट पद के साथ ही जाति प्रमाण पत्र का संलग्न करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल के लिए किए जाने के 1,000 रुपये शुल्क लगेगा। वहीं जिला परिषद पद के लिए नाम निर्देशक शुल्क 2,000 रुपये दिया जाना होगा। ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के साथ 250 रुपये शुल्क लगेगा। बिहार अनुसूचित साथ ही जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल का निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी। FIR दर्ज करने में आनाकानी हुई तो होगी कार्रवाई, SSP ने दी कड़ी चेतावनी। प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करने वाले थानेदारों की अब खैर नहीं। इसके लिए SP ने सभी थानेदारों को कड़ी चेतावनी दी। इस कहा कि पीड़ितों की शिकायत को गंभीरता से लेकर जांच कर उसमें प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। किसी भी प्रकार से पीड़ित को परेशान ना करें, यही नहीं रिस्पॉन्स टाइम में भी पीड़ितों के फोन जरूर रिसीव करें, वरना शिकायत करने पर संबंधित थानेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SSP ने कहा कि किसी शिकायत मिली तो रिस्पॉन्स टाइम में फोन करने पर अक्सर थानेदार फोन नहीं उठाते, जिसके चलते पीड़ितों को तरह तरह से परेशान
परेशान होना पड़ता है। ये ना सिर्फ इसके लिए थाना पीड़ितों को भी फोन जरूर रिसीव करें। सृजन घोटाला 100 करोड़ की निकासी में पूर्व अधिकारी रजौर पर जिला कल्याण कार्यालय के करीब 100 करोड़ रुपए की जांच शुरू हो गई। इस मामले में पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी जांच के घेरे में पूर्व में अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पूर्व के अधिकारियों से पूछताछ में खुलासे हो रहे कि जिला कल्याण कार्यालय से 221.7 करोड़ रुपए की अवैध तरीके से निकासी की। कल्याण कार्यालय के राशि सृजन महिला विकास के साथ ही सृजन समिति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। 121.71 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को पूर्व में ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की दूसरी प्राथमिकी करीब 5 माह पूर्व वर्तमान कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव के द्वारा दर्ज कराई गई है। 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की जांच शुरू हो गई। जिला कल्याण कार्यालय से तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी रामलला सिंह, रामेश्वर शर्मा और ललन कुमार सिंह और अरुण कुमार के कार्यालय में राशि की अवैध निकासी हुई थी। अब हर तरफ की आवाज सेवाओं के लिए डायल करें 112 नंबर। राज्य में हर तरह की इमरजेंसी के लिए जल्द ही एक नंबर 112 होगा। इसके लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। गृह विभाग की दिशम सिस्टम के साथ ही काम का शुरू कर दिया गया। इसके तहत 400 गाड़ियां खरीदी गई है जो इमरजेंसी नंबर पर कॉल किए जाने पर स्पॉट पहुंचना गश्ती के काम आएगी। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ इस साल दिसंबर तक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। दरअसल राज्य में अभी भी अलग अलग इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर है। पुलिस के लिए 100 नंबर, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 102 एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी नंबर ट्रायल करना होता है। नया सिस्टम लॉन्च होने के बाद इमरजेंसी सेवा के लिए एक ही नंबर 112 ट्रायल करना होगा। ERSS योजना के यू तो राज्य भर में भी लागू करना है, लेकिन पहले चरण में पटना समेत 10 जिलों से इसकी शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही धीरे धीरे 38 जिलों में इसका विस्तार होगा। जेल में बंद कुख्यात नक्सली के कहने पर उड़ाने वाले थे रेलवे स्टेशन जुमाई में गिरफ्तार। जुमाई पुलिस को एक बड़ी सफलता कामयाबी लगी। 31 जुलाई को किरुजिस्ट्री रेलखंड के चौरा रेलवे हॉल्ट का भी स्टेशन उड़ाने की धमकी देने के आरोपित एक नक्सली को सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस मामले में मास्टरमाइंड नक्सली को भी विस्फोट और मोबाइल सहित अन्य नक्सली सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार नक्सली की पहचान गिद्धौ थाना क्षेत्र के छेतलाही गांव निवासी स्वजवाहरलाल यादव के पुत्र राहुल यादव और गेहूमन राम कुमार गांव निवासी नीचू यादव के पुत्र नील कुमार यादव के रूप में हुई। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर SSP प्रमोद कुमार मंडल के निर्देशानुसार सदर SDP डॉक्टर राकेश कुमार के द्वारा नेतृत्व में STF के पुलिस उपाध्यक्ष जुमाई अंचल अधिकारी के साथ ही पुलिस अखिलेश कुमार के द्वारा थाना अध्यक्ष अमित कुमार और नित्यानंद सिंह और SPA नक्सल शेल के कर्मियों के द्वारा की गई। इसकी जानकारी सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में SP प्रमोद कुमार मंडल की प्रेस वार्ता में दी। छपरा में निगरानी की हत्या, चुरा सदर अस्पताल का घूसखोर क्लर्क। छपरा सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत एक घूसखोर क्लर्क सोमवार की दोपहर में निगरानी की टीम द्वारा दबोचा गया। पटना से निगरानी विभाग की टीम ने किनारी राकेश कुमार को घूस के साथ ही 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर क्लर्क के खिलाफ सदर अस्पताल छपरा पदस्थापित। वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना में प्रतिनिधि चिकित्सक डॉक्टर संजीव रंजन से 4 दिन पहले निगरानी विभाग पटना के अधिकारियों से शिकायत की थी। निगरानी विभाग के वरीय अधिकारियों से मिलकर चिकित्सक ने बताया कि HRA ASP पेवंस सहित अन्य मद की बकाया राशि भुगतान 3 लाख रुपए के लिए पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और पत्र जमा कराया जाए। गिरफ्तार किनारी राकेश कुमार जानबूझ कर फाइल आगे नहीं दबा रहा था। इस एवज में उन्होंने 10,000 रुपए की मांग की थी। एनिश पर पानी जमा होने से रेल पटरी के सहारे कर रहे आवागमन। कटिहार प्राणपुत्र के लाभचुआ किसी एनिश 81 पर बाढ़ का पानी आने जाने से पूरी तरह से आवागमन बाधित हो गया है, जिसके कारण ग्रामीण विवश होकर अपनी जान को जोखिम में लगाकर रेलवे पटरी से आवागमन करे। दूर राज्य को जोड़ने वाली एनिश 81 पर बाढ़ का पानी हो जाने से बंगाल और बिहार राज्य के लिए लोगों के लिए दूसरी पर जाने आने की कठिनाई का सामना करना पड़ा, जबकि कटिहार मालदा रेलखंड की भी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। ग्रामीण लाभ रेलवे स्टेशन के समीप से रेल पटरी को पार कर दोपहिया वाहन लेकर पैदल चल रहे। इस दौरान ग्रामीणों के साथ हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती। रेल पटरी किनारे से आवागमन के दौरान कई लोग बाइक लेकर गिरकर घायल हो गए। ग्रामीण रेलवे पटरी के आर पार के साथ एक दूसरे राज्य के लिए सफर कर रहे 4 पहिया वाहन का आवागमन नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। NH81 सड़क पर भी पानी होने से दोनों राज्य में व्यवसाय करने वाले लोग अच्छे से खासा प्रभाव पड़ रहा है। अब प्राथमिकता के आधार पर लगाई जाएगी वैक्सीन की दूसरी डोज। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने व संबंधित तीसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में अब प्राथमिकता के आधार पर लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही। इसको लेकर टीकाकरण केंद्र पर सेकेंड डोज के लिए अलग से काउंटर बनाया जाएगा। तीसरे सेकेंड डोज के अभ्यर्थियों को लंबी कतार में खड़ा होकर उनकी लंबी इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड डोज से वंचित अभ्यर्थियों को 100% टीकाकरण किए जाने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश के आधार पर जिले के तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फल अस्पताल में सेकेंड डोज कोविशील्ड के टीकाकरण के लिए अलग सत्र चलाने को कहा गया। यहां सिर्फ कोविशील्ड के सेकेंड डोज के वंचित लाभार्थियों को बुलाकर उनका टीकाकरण किया जा रहा है।
हाजीपुर में पारस का विरोध काफिले पर फेंका मोबाइल। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस सोमवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने पारस का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पारस का काफिला हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री काफिले पर मोबाइल फेंका गया। वहीं दूसरी ओर पारस के बॉडीगार्ड ने भी एक महिला के साथ बदसलूकी की। आपको बता दें कि पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद लोजपा पार्टी को दो धड़े में बच गया है। एक गुट पशुपति पारस के साथ जबकि दूसरा गुट चिराग पासवान के साथ। चिराग व पारस दोनों ही लोजपा पर अपने अधिकार जता रहे। पिछले पशुपति पारस ने भी चिराग को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से चिराग पर हटा दिया था। अब चिराग पार्टी की अपना दावा करते हुए चुनाव आयोग व कोच पहुंचे। किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि के दर निर्धारित। खेती में नई तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने भी विभिन्न मंत्रियों के साथ प्रोत्साहन राशि दर्ज कर दिया है। आदेश अलेक्सम यूनिट कोर्ट कमेटी बताएगी कि बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले मॉडल में लागत के वृद्धि दर का समावेश कर दिया गया। यानी अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में चयन किसानों को कुछ लागत पर कमेटी के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। यूनिट कॉस्ट के साथ ही मॉडल पर दी जाने पर प्रोत्साहन राशि को बता चले तो चावल के मॉडल पर विकास के साथ ही किसान को 3600 रुपये प्रति एकड़ अथवा 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर पर मदद मिलेगी। बिना जुताई के गेहूं अरहर उड़द और उगाने पर भी यह राशि मिलेगी। हाइब्रिड मक्का और सोयाबीन और गर्मी की मूंग के साथ सरकार किसान को 2400 रुपये प्रति एकड़ देगी। 1,14,00,000 रुपये के मूल्य की गन्ने की फसल नष्ट। बेगूसराय लगातार हो रही बारिश से हसनपुर चीनी मिल परिक्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ। भारी नुकसान से हसनपुर चीनी मिल परिक्षेत्र की 55,286 एकड़ भूमि में भी लगी गन्ने की फसल में 21,752 एकड़ में भी लगी फसल नष्ट हो गई। कुल गन्ने के नुकसान का आधा दर्जन यानी 10,121 एकड़ गन्ने की फसल बेगूसराय जिले में ही नष्ट हो गई। अब पहले ही भारी बारिश के साथ ही तबाही में किसान कभी चीनी मिल को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों में मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई। हसनपुर चीनी मिल के साथ ही बड़ी गन्ना उपाध्यक्ष शंभू प्रसाद ने बताया कि बेगूसराय समस्तीपुर दरभंगा खगड़िया समस्तीपुर मुजफ्फरपुर वैशाली जिले में किसान हसनपुर चीनी मिल परिक्षेत्र में बेगूसराय में 25,477 के साथ लगी गन्ने की फसल में 10,121 एकड़ समस्तीपुर के 27,648 एकड़ भूमि में लगी गन्ने की फसल में 10,476 एकड़ और दरभंगा में 303 एकड़ भूमि में लगी फसल में 127 एकड़ फसल बर्बाद होगी। सिर्फ खगड़िया में 195 एकड़ के साथ ही भूमि में लगी गन्ने में भी 47 एकड़ से मुजफ्फरपुर के 85 एकड़ में लगी गन्ने की फसल से 76 एकड़ व वैशाली में 697 एकड़ भूमि में गन्ने अति गन्ने की फसल में 4 एकड़ फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। मुजफ्फरपुर में भारी आक्रोश के बीच छुटाया जा रहा अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश पर कार्य। मुजफ्फरपुर शहर में अब 50,000 से बनाए सपनों के आशियाने पर सोमवार को प्रशासन का अब जो बुलडोजर चलने लगा है। सब कुछ एक झटके में समाप्त हो गया। शहर के इल्जामपुर के मोहल्ले में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के कार्य शुरू हो गए। दो बुलडोजर चलाकर एक एक पक्के मकान झोपे को खड़ा किया है। इसीलिए मोहल्ले वासियों को भी भारी आक्रोश जताया जा रहा है। मोहल्ले में भी आने जाने वाले के लिए सड़क पर ग्रिल और कबाड़ का सामान रखकर जाम कर दिया गया है। ट्रैक चलाकर आगजनी करते हुए प्रदर्शन कर रहे स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसडीओ पूर्वी कुमार कुंदन कुमार डाउन डीएसपी रामनेश पासवान के साथ डाउन मिठनपुरा काजी मोहम्मदपुर सदर समेत 8 थानों की पुलिस भी मौजूद थी। एसडीओ पूर्वी कुमार कुंदन कुमार ने बताया कि काश महल की जमीन इस पर एमएसकेबी कॉलेज और दूसरी स्कूल अवस्थित है। उक्त जमीन को वर्षों से स्थायी अस्थायी तौर पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर इसे खाली कराया जा रहा है। पटना एम्स के खोले जाएंगे बंद पड़े ड्रामा सेंटर व अन्य वार्ड। कोरोना से पटना एम्स में बंद पड़े ड्रामा सेंटर को फिर से खोला जाने का निर्णय लिया गया। एम्स प्रशासन अस्पताल में कोविड वार्ड में देखते हुए घटते हुए कोरोना मरीज और बड़ी संख्या में खाली पड़े बेड को देखते हुए एक बैठक में यह फैसला लिया। एक सप्ताह के भीतर ड्रामा सेंटर के साथ ही सामान्य वार्ड आईसीयू वार्ड के साथ ही हादसा पीड़ितों के इलाज के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए गंभीर सर्जरी की सुविधा को धीरे धीरे शुरू कर दी जाएगी। सेंटर खोलने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की टीम तैयारी कर ली जाएगी, जहां तक कि अब रोस्टर चार्ट भी तैयार किया जा रहा है। शुरू होगा निर्माण कार्य। मार्च तक बनेंगे 778 ग्रामीण सड़कें व 315 पुल। बिहार में 778 ग्रामीण सड़कों और 315 पुलों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा होने की बारिश और बाढ़ के कारण बड़ी चुनौती हो गई है। करीब 22 किलोमीटर लंबाई में लेकर पीएमजीएसवाई 1 और पीएमजीएसवाई 2 के साथ ही इसका निर्णय पूरा करने का निर्देश केंद्रीय विकास के साथ ही मंत्रालय ने राजकीय कार्य विभाग को दे दिया। सूत्रों के अनुसार फिलहाल उत्तर बिहार के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया है। पानी उतरते ही सड़क निर्माण कार्य शुरू होने की तैयारी चल रही। सड़कों का निर्माण शुरू होते ही मजदूरों को रोजगार मिलेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को यातायात व्यवस्था तैयार करेगी। 1 से 8 तक के निजी स्कूल बिना सरकारी मंजूरी के नहीं चलेंगे। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अब 1 से लेकर 8 तक निजी प्राथमिक विद्यालय अब सरकार की अनुमति के बिना
चल सकेंगे। ऐसे में स्कूल को चालू रखने के लिए सरकार की मंजूरी लेने से 31 दिसंबर 2021 तक 5 महीने के समय दिया जाएगा। जिन स्कूलों को सरकार से ऑफलाइन माध्यम संचालन की अनुमति पहले से मिल चुकी है, उन्हें 2 महीने के भीतर सरकार के वेब पोर्टल से लेकर जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। एक स्कूल के अनुमोदन के साथ ही आवेदन करने के बाद समिति स्कूल के साइट के साथ ही जांच करेगी और साथ ही इसमें मानकों का पालन किया जाएगा। जिला स्तर पर यह काम 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा, ताकि उसके सभी निजी स्कूलों तक QR कोड के सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। लंबित आवेदनों पर ऑफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर किसी भी लंबित अनुमोदन के कार्य में कई प्रणाली के साथ ही ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की व्यवस्था होगी। संबंधित निजी स्कूलों को अब मामले में लेकर अपने स्कूलों की प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष प्रशासक को रेफर करना होगा। उत्तर पूर्वी बिहार में भारी बारिश के ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। बिहार में उत्तर पश्चिम दक्षिण मानसून फिर सक्रिय है। वर्तमान में मानसून की रेखा राजधानी पटना से गुजर रही है। इसके बारिश के साथ ही आसार बढ़ गए। उत्तर बिहार के साथ ही भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। खास किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कटिहार, पुलिया, सुपौल, गोपालगंज, सिवान और सारण में भी भारी बारिश की उम्मीद है। कहीं आप ज्यादा नमक तो नहीं खाते? नमक के बिना खाने का स्वाद अधूरा है। जी हाँ, अगर अब खाने की तबीयत स्वादिष्ट क्यों ना हो, जब तक नमक नहीं रहेगा तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। हम लोग नमक ज़्यादा खाने के आदि हो गए। जितनी हमारी दैनिक ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा नमक हम खाते हैं तो भारत में लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से दुगना नमक का सेवन भी करते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नमक का ज़्यादा सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल से संबंधित कई बीमारियाँ होने का खतरा अधिक हो जाता है। ये जानते हैं एक स्वस्थ इंसान के लिए कितना नमक का सेवन जरूरी है और इससे ज़्यादा सेवन से कौन कौन से सेहत को नुकसान पहुँच रहा है। WHO के अनुसार एक स्वस्थ इंसान को रोज़ाना 5 ग्राम से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल 5 ग्राम से कम होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम होता है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। हर हाल में नमक का इस्तेमाल 5 ग्राम से कम करना चाहिए। WHO के मुताबिक अनुमान लोग 9 से 12 ग्राम रोज़ाना नमक खाने लगते हैं तो सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। WHO के हाल ही में अध्ययन कहा जा रहा है कि अतिरिक्त नमक खाने से हर साल 30 लाख लोगों की मौत होती है। WHO कहना है कि अगर विश्व के लोग नमक की मात्रा में कमी लाने के लिए सक्षम होते हैं तो कम से कम 25 लाख मौतों को होने से बचाया जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब अपने से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम हैं रितिका शर्मा, फरहान अंसारी, विकास कुमार ठाकुर, आनंद कुमार और कोमल चौधरी। आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या टीकाकरण केंद्रों पर सेकेंड डोज के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुविधा मिलनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।